हेलो एवरीवन, दिस इज अनु ठाकुर एंड यू आर वाचिंग सुपर हीरो रिपोर्ट्स। तो भाई, यहाँ पूरी दुनिया फैन है हमारे हरी भाई हल्क की। ऐसा कोई ही इंसान होगा जिसको हल्क पसंद नहीं है, सिवाय उनके जिन्होंने हल्क को पिटाए। बट आज का टॉपिक ये नहीं है। हम बात करने वाले हैं कि हल्क और रेड हल्क के बीच में कौन ज़्यादा पावरफुल है, और अगर इनके बीच डेथ बैटल होती है तो कौन जीतेगा। तो चलिए पहले इनकी पावर्स को अच्छे से जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं ग्रीन हल्क से। हल्क एक चलते फिरते गामा बॉम्ब से कम नहीं है। जब से इसको पावर्स मिले हैं कॉमिक्स के अंदर, इसने बस डोमिनेट ही किया है। एंड एवेंजर्स की टीम का ये तो पावर हाउस है। ये थॉर से फाइट कर चुका है, वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट में ब्लैक बेल्ट, एवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर को अकेले ही हरा चुका है। और हल्क को पावर मिलते हैं उसके गुस्से से। ये जितना ज़्यादा गुस्सा होगा उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। MCU में इसको काफ़ी ज़्यादा लल्लू सा दिखाया जा रहा है करंट टाइम में, बट कॉमिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने हल्क की एक भी कॉमिक पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि ये क्या पोटेंशियल रखता है। 2012 में आई अवेंजर मूवी का ये सीन तो बस एक ट्रेलर था हल्क की पावर का। हल्क अपनी एक थंडर क्लैप से एक पूरे प्लैनेट को हिला सकता है। तो ये तो बात हुई हल्क की कि वो कितना पावरफुल है और क्या कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं रेड हल्क की। कॉमिक में दिखने वाला रेड हल्क कोई और नहीं, खुद थंडरबोल्ट रॉस है, यानी कि बेटी रॉस के पापा और हल्क के ससुर जी। OMG, खैर ये इनका फैमिली मैटर है। अब हम रेड हल्क के पावर्स के बारे में जानते हैं। रेड हल्क के पास मिलिट्री का हाई रैंक होने के साथ मार्शल आर्ट्स की नॉलेज भी है, एंड इसके पास ऑलमोस्ट वो सारे पावर हैं जो हल्क के पास हैं। सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, अनब्रेकेबल स्किन एंड सुपर हीलिंग फैक्टर भी है इसके पास, और इसके साथ ही ये बहुत सारे वेपन्स का यूज़ भी करता है। इसको पावर्स मिलती है रेडिएशन से। जितना ज़्यादा ये रेडिएशन में रहेगा उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। बट इसकी एक कमी भी है, जितना ज़्यादा ये गुस्सा होगा उतनी ज़्यादा इसकी बॉडी हीट बढ़ती जाएगी। अब जब हम दोनों के बारे में जान चुके हैं तो अब इनकी फाइट की भी बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, इनकी फाइट में फर्स्ट हाफ में तो रेड हल्क ही डोमिनेट करेगा अपने वेपन्स और मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से। बट सेकंड राउंड या तो कुछ और राउंड निकल जाने के बाद हमारा ग्रीन हल्क रेड हल्क को धो ही डालेगा, क्योंकि ग्रीन हल्क में एक चीज देखी गई है कि वो कभी हार नहीं मानता। वहीं रेड हल्क जितना लॉन्ग टाइम फाइट करेगा उसकी बॉडी ओवर हीट हो जाएगी, जिसका फायदा ग्रीन हल्क को मिलेगा। एंड कॉमिक्स में भी ये बहुत बार लड़ चुके हैं, बट वहां पर भी हमेशा ग्रीन हल्क ही जीता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा ग्रीन हल्क ही विनर है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड कीप वॉचिंग सुपर हीरो रिपोर्ट्स।